नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टॉक इन्वेस्टिंग में स्वागत है। बहुत सारे ऐसे रिटेल निवेशक हैं जो लार्ज कैप के स्टॉक में निवेश करना पसंद करते हैं। तो जरूरी नहीं कि लार्ज कैप के स्टॉक जो है वो 1000 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा हो। कुछ ऐसे शेयर हैं जो 1000 पे ट्रेड करते हैं, कुछ ऐसे भी शेयर हैं जो 2000 पे ट्रेड कर रहे हैं, और कुछ ऐसे शेयर हैं जो 5000 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो रिटेल निवेशक के दिमाग में ये रहता है कि हमें कम पैसों में ज़्यादा की संख्या में शेयरें चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों 200 रुपया के आसपास काम करने वाले दो ऐसे शेयरों के बारे में हम जिक्र करेंगे जो लार्ज कैप के संबंधित है और बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी कंपनियों के बारे में जिक्र करेंगे। पहली कंपनी होगी जो तमाम तरह के ऑटो सेगमेंट के लिए पार्ट पुर्जा का निर्माण करती है, और दूसरी कंपनी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आइए पूरा डिटेल्स के साथ जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल के माध्यम से अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले दोस्तों उसके पीछे का ठोस रीजन होना बहुत ज़रूरी है कि हम किन कारणों से इन कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं। लेकिन बात करें अगर दो स्टॉक की जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे तो वो ऑटोमोटिव सेक्टर से है। तो पहले क्या होता था, डीजल पेट्रोल से गाड़ियां चलती थी। अब कंपनी क्या हुआ, धीरे धीरे बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर हमारी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील हो रही है। अब आप यहाँ पर जो कारें देख पा रहे हैं ये 100% इलेक्ट्रिक है। पहले तक जो गाड़ियां में ऑटो पार्ट पुर्जा बनती थी वो हैवी हुआ करती थी, अब जो है ना लो कॉस्ट के साथ साथ बहुत ही लो वेट के पार्ट पुर्जा होती है, जिनके कारण से भी आने वाले समय में तकरीबन 5 से 7 साल जरूर लगेंगे जब रोड पे 100% आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिलेगी। तो इनमें ये है दोस्तों कि ये जो है ना 100% कार्बन मुक्त है। आप देख सकते हैं इसमें चार्जिंग माफ कीजिए दोस्तों इथिलियम बैटरी लगी हुई है, यानी कि सूखा सेल। अगर ये बैटरी में जब तक चार्ज रहेगी तब तक गाड़ी दौड़ते रहेगी, अगर चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी तो जिस तरह डीजल पेट्रोल पंप और ये प्रत्येक 10 किलोमीटर का आपको किसी भी प्रकार के पेट्रोल पंप देखने को मिलता है, तो उसी तरह का आपको आने वाले समय आपको चार्जिंग स्टेशन भी देखने को मिलेगा। और इस समय के रोड एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यही कहा कि आने वाले साल 2030 तक में हम रोड पे 80% इलेक्ट्रिक व्हीकल उतारेंगे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाद आने वाले समय में 100% ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को भी लाया जाएगा। खैर इन सभी बातों को ध्यान में रखकर दोस्तों हमने ये दो स्टॉक चुना है। दूसरा रीजन यह है कि इन दोनों कंपनियों में ये देखा जा रहा है कि पिछले 4 क्वार्टर रिजल्ट से लगातार FII वाले जो है अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है, और जहाँ कहीं भी विदेशी निवेशक खरीदारी करते हैं तो वो 1-2 करोड़ की संख्या में नहीं, 10 करोड़ 20 करोड़ की संख्या में शेयरों की खरीदारी करती है, जिनके कारण से शुरुआत में तो आपको भयंकर तेज़ी देखने को मिलती है लेकिन समय के बाद उसका असर 100% 200% में भी देखने को मिलती है। शुरुआत दोस्तों संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में ही जानेंगे, जो कि मदरसन ग्रुप का हिस्सा है। इन कंपनियों के बारे में तो आपसे कई बार हमने जिक्र किया है, हाल ही में ये कंपनी डिमर्जर होकर संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड और दूसरी कंपनी जो है मदरसन सुमिंग वायरिंग इंडिया लिमिटेड बनी, जिनके कारण से भी छोटी प्राइस देखने को मिल रही है। उसके बाद यह कंपनी फिर से 1:2 के रेशियो में बोनस दिया है। इस कंपनी की खास बात है दोस्तों, जब भी एक अपने ऑल टाइम हाई बनाती है और वहाँ से 10-12% थोड़ी और बढ़त बना लेती है तो ये 100% जो है ना अपने निवेशकों को ध्यान में रखकर 1:2 के रेशियो में बोनस देने की घोषणा कर देती है, जिनके कारण से यह कंपनी अभी तक में तकरीबन 15 से 12 बार बोनस दे चुकी है, प्रत्येक साल डिविडेंड भी देती है, फिर भी इसका शेयर प्राइस इतना ही आपको देखने को मिलेगा। तो वो कंपनी अक्सर बहुत अच्छी होती है जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है हमेशा रिटेल निवेशकों को ध्यान में रखकर डिसीजन लेती है। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है पिछले 1 महीने में 45% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 99% और इन 1 साल में 142% का, और मैक्सिमम चार्ट के अनुसार से देखें
तो इन्होंने 258,150% यानी कि आपके पैसे में कुल मिलाकर इन्होंने 2581 गुना का इजाफा किया है पिछले 25 सालों में। तो क्या आने वाले समय में इस कंपनी से हम 50 गुना या फिर 5000% का जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यह कंपनी जो है पूरा वर्ल्ड में अपने कारोबार को फैला रखी है और कोई ऐसे ऑटो कंपनी नहीं है जो इसके ग्राहक नहीं हो। अब आपको लग रहा हो कि हम यूं ही बोल रहे हैं, तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हुंडई से 7% का रेवेन्यू आता है, मारुति सुजुकी से 6% का, बीएमडब्ल्यू से 6% का, रोलांड से 6% का, फोर्ड से 4% का, बेन से 2% का, जीएम से 2% का, टाटा मोटर से 2% का, काया से 2% का, वोल्वो से 2% का, महिंद्रा एंड महिंद्रा से 2% का, टोयोटा से। सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू आती है वल्कस वैगन से आती है 47% की। तो आप देख सकते हैं जितने भी कंपनियां की गाड़ियां रोड पे चलती है उन सब इनके कंज्यूमर हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह कंपनी ऑटोमोटिव के लिए ही काम करती है, देख सकते हैं लॉजिस्टिक है, एरोस्पेस है, रिटेल एंड सर्विस है, वायर्स है जिसको डिमर्जर करके अलग कर दी गई है, उसके बाद मेटल प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी है, विजन ऑफ सिस्टम है। पिछले कुछ सालों के इस कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो साल 2023 में 65 पैसा, 22 में 65 पैसा, साल 2021 में 1.50 रुपया, साल 2020 में 1.50 रुपया, साल 2019 में भी 1.50 रुपया। प्रत्येक एक साल में एक कंपनी एक बार डिविडेंड देती है। अब बोनस ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, आखिरी बार यह कंपनी साल 2022 में 1:2 के रेशियो में बोनस दिया था, उसके पहले भी यह कंपनी 1:2 के रेशियो में बोनस दिया है। तो साल 2015 से लेकर अब तक तकरीबन 5 बार यह कंपनी ऑलरेडी बोनस दे चुकी है। तो आने वाले समय में इस कंपनी में हमें इसी तरह से डिविडेंड और बोनस का लाभ देगा। समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड मार्केट कैप के लिहाज से 1 लाख की भी कंपनी है, 1,39,000 करोड़ की पीई 148 पर ट्रेड कर रही है। क्योंकि अर्निंग पर शेयर कम है, कंपनी के पास 5,621 करोड़ का कर्ज है। खैर इस कर्ज को जब चाहे कंपनी ख़त्म कर सकती है क्योंकि रिजर्व इसके पास काफ़ी सारा है। सेल्स ग्रोथ 35% का है, प्रॉफिट ग्रोथ में पहले की अपेक्षा 3% जरूर गिरावटें आई है, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा नॉर्मल है जो कि आने वाले समय में बेहतर हो सकती है। अगर बुक वैल्यू देखें तो 47 रुपये पर ट्रेड कर रही है, यानी कि स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 2.25 गुने पर ट्रेड कर रही है। आइए अब दूसरी शेयरों के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो इसका नाम है अशोक लेलैंड लिमिटेड। लास्ट टाइम हमने दोस्तों इन शेयरों के बारे में 182 रुपये पर खरीदारी की जानकारी दी थी। खैर आज के रेट में 227 रुपये पर ट्रेड कर रही है। तो देख सकते हैं पिछले एक महीने में 9% की बढ़त बनाई है, 6 महीने में 26% और इन एक साल में 39% और मैक्सिमम चार्ट के अनुसार से 9,978%। मान सकते हैं कि यह कंपनी ऑलरेडी जो है 10,000% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। तो 10,000 यानी कि आपके पैसे में 100 गुना का इजाफा किया है। कितने सालों में? तो तकरीबन 20 सालों में, 20-25 साल में अगर 100 गुना रिटर्न निकाल के दिया है तो दोस्तों मिनिमम जो है 80% प्रत्येक साल आपको रिटर्न निकाल के दे रही है, जो कि कोई भी बैंक, कोई भी FD, चाहे वो कोई भी LIC आपको रिटर्न निकाल के नहीं दे सकती है। साथ में यह कंपनी एक खासियत है, यह कंपनी रेगुलर तौर पे अपने निवेशकों को 2.5% से लेकर 3% डिविडेंड यील्ड के माध्यम से रेगुलर तौर पे डिविडेंड देती है। और ऑटो सेगमेंट में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है तो आपको सभी लार्ज कैप की कंपनियाँ नहीं मिलेगी। दूसरी बात है कि इतने सस्ते प्राइस पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आने वाले समय में हो सकता है ये दोबारा आप प्राइस देखो भी नहीं, क्योंकि यहाँ से जो ना आप ट्रेंड में ही देखने को मिल रही है। तो तमाम तरह के ब्रोकरेज हाउस का अनुमान है कि 480 तक जा सकती है फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक। एक नज़र अशोक लेलैंड लिमिटेड की फंडामेंटल को देखें तो दोस्तों मार्केट कैप के लिहाज से 66,689 करोड़ की है और PE 25 पे ट्रेड कर रही है, जो कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये शेयर मिल रही है। तो इतना जान लें कि PE अगर 15 पे मिल रही है तो 100% यहाँ पर हमें तो खरीदना ही खरीदना है। अगर 30 से नीचे ट्रेड कर रही है तो ये सस्ते प्राइस पे
देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी हम निवेश कर सकते हैं, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट का महज 30%, अगर 30 से नीचे ट्रेड कर रही हो, अगर 15 से नीचे ट्रेड कर रही हो, तो अपने इन्वेस्टमेंट का 50% आप फिर से यहाँ से निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो कंपनी के पास कर्ज है 2,254 करोड़ का है, कंपनी के पास कैश जो है 3,438 करोड़ का है। अगर कंपनी को ये लगेगा कि मेरा शेयर प्राइस बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, तो इस कैश से जो है ना कंपनी बल्क डील के माध्यम से खुद की भी शेयरें खरीद सकती है। अब यहाँ पर सेल्स ग्रोथ में देख सकते हैं 6% की बढ़त बनाई है, प्रॉफिट ग्रोथ में 89%, रिटर्न ऑन इक्विटी 30% का है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 35% का शानदार है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके कंपेरिजन में कुछ कंपनियों के बारे में दिखा दें, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, फोर्स मोटर्स, SML, तो ये सभी कंपनियाँ जो है ना अपने आप में अच्छी है, लेकिन आप ये देखें सबसे सस्ते प्राइस पे कौन सी मिल रही है जो कि छोटी है, अशोक लेलैंड है, और मार्केट कैप के लिहाज से भी सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है ऑटो सेक्टर के लिए, तो क्यों नहीं हम इसे में निवेश करें। और प्राइस अर्निंग रेशियो में भी देखें तो सस्ते प्राइस पे आपको सिर्फ अशोक लेलैंड ही देखने को मिलेगा। पिछले क्वार्टर फोर के अगर रिजल्ट की बात करें तो इस बीच में 11,266 करोड़ का सेल किया था और कंपनी को 900 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। पूरे साल के आंकड़े के अनुसार मार्च 2024 में इन्होंने 38,367 करोड़ का सेल किया था और इस बीच में 2,617 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही बेहतरीन है। रही बात प्रमोटर की होल्डिंग की, तो देख सकते हैं 51.52% की हिस्सेदारी जो है प्रमोटरों के पास है, लेकिन उनमें से 22% हिस्सा जो है प्लीज रखी हुई है। ठीक, FI वाले ने अपने हिस्सेदारी में लगभग 3% का इजाफा किया है, DI वाले लगभग 2% का, और रिटेल निवेशकों के पास इस समय जो 14% की हिस्सेदारी है, और FI और DI दोनों मिलाकर देखा जाए तो लगभग 25% की हिस्सेदारी ले रखी है। तो अच्छी है, तब तो 25% का निवेश करके रखा है, नहीं तो क्यों ऐसा निवेश करेगा, हजारों शेयर हैं शेयर मार्केट में उन सभी में लगा दे। तो आने वाले समय में पोटेंशियल है, इसलिए इन लोगों ने निवेश करके रखा है। इसलिए वक्त रहते हुए दोस्तों हमें इन दोनों शेयरों में निवेश करना चाहिए, इससे बेहतर इससे सस्ता कोई शेयर आपको मिलेगा नहीं ऑटोमोटिव सेक्टर में। इसलिए अगर आप खरीदते हैं तो दोनों में मिनिमम 100-100 शेयर खरीदारी कर लें, जिसका कि लागत समथिंग 50,000 के अराउंड आएगा। तो अपने तिजोरी में 5 साल मिनिमम, 10 साल प्लस 15 साल अगर रखते हैं तो यकीनन दोस्तों आपको आपके महज 50,000 इन्वेस्टमेंट जो है ना 10 लाख से 20 लाख तक में बन सकती है। खरीदने या बेचने से पहले आपको खुद से रिसर्च जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।